बाद जैसे ही रणवीर की नींद खुली, उसने दीपिका को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम की तरफ चला गया। दीपिका ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, आज सुबह सुबह तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रणवीर ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे नींद से जगाने के लिए उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। जैसे ही दीपिका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि रणवीर उसके चेहरे को पानी से साफ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो भी मना करने की कोशिश नहीं कर रही थी। शायद उसे समझ में आ गया था कि वो क्या करना चाहता है। दीपिका ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसके चेहरे को साफ करने के बाद रणवीर उसे वापस बेडरूम में लेकर आ गया। दीपिका ने जैसे ही टेबल की तरफ देखा तो वो चौंक गई। वहां पर खाना पहले से ही रखा हुआ था। उसने दीपिका को एक कुर्सी पर बिठा दिया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, बोलो तुम खाना खाओगी, फिर तुम्हें दवाइयां भी खानी है, बाद में अक्षय आकर तुम्हारी जांच करेगा। अब तुम्हें पूरा दिन आराम करना है आज, और तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। दीपिका रणवीर से कुछ कहना चाहती थी पर उसने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो चुप रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। रणवीर ने फिर कहा, अभी अभी मैंने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में मुझे बहस नहीं करनी है, तुम चुपचाप मेरा कहना मानोगे ओके? कल रात के बारे में मजाक करते हुए दीपिका ने कहा, अब इसमें किसकी गलती है कि मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही है? रणवीर ने दीपिका को डांटते हुए कहा, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो पहले मुझे परेशान किसने किया था? हाँ तुम पिछले कुछ दिनों से बार बार मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा मैंने कल रात को कुछ किया तो तुम उसके बारे में कंप्लेन कर रही हो? ये कैसी नाइंसाफी है? दीपिका ने कहा, क्यों तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं था क्या? इसलिए ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि जो भी कुछ हुआ उसमें बस मेरी ही गलती है। रणवीर ने गुस्से में कहा, ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब तो खुश हो ना? ये सुनकर दीपिका मुस्कुराने लगी और कहा, क्यों तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम अपने आप पर कंट्रोल कर पाओगे। रणवीर ने दीपिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, उसकी तरफ ऐसे घूरने लगा जैसे उसे मन ही मन चेतावनी दे रहा था। रणवीर को इतना तो पता था कि वो जब भी दीपिका के आसपास होता है तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कल रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ था, पर उसमें पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। रणवीर ने कहा, ठीक है आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना करूं, पर ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा ओके? फिर वो दीपिका की प्लेट में खाना परोसने लगा और उसे ढेर सारी सब्जियां देते हुए कहा, आज से थोड़ा हेल्दी खाना खाया करो, इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। दीपिका मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उसे रणवीर को परेशान करना बहुत अच्छा लग रहा था और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रही थी। खाना खत्म करने के बाद दीपिका ने कहा, तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, पिछले कुछ दिनों से मैं अच्छी तरह से सो ही नहीं हूँ, शायद इस वजह से मुझे वीकनेस फील हो रही है। थोड़े दिनों तक जब मैं अच्छे से आराम करूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा रणवीर। ये सुनकर रणवीर उसके बालों को सहलाने लगा और कहा, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना आराम कर सकती हो, अभी कुछ टाइम के लिए तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। कल रणवीर ने दीपिका से वादा किया था कि वो उसे उस बूढ़े आदमी से मिलाने के लिए लेके जाएगा, इसलिए दवाई खाने के बाद वो दीपिका को लेकर उसके पास चला गया। जैसे ही दीपिका कमरे के अंदर गई तो दोनों कुत्ते उसे देखकर खुशी के मारे भौंकने लगे। दीपिका भी उन्हें अपनी गोदी में लेकर प्यार करने लगी। उसने देखा कि बिस्तर के ऊपर एक आदमी पेट के बल सोया हुआ था और उसकी पीठ पर पट्टियां लगी हुई थी। उसे देखते ही दीपिका ने कहा, तुमने बताया नहीं कि इन्हें इतनी ज्यादा चोट आई थी? रणवीर ने कहा, हाँ इनकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए हम लोगों को लगा कि शायद इनकी जान नहीं बचेगी, और उस समय तुम्हारी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए अक्षर मैंने फैसला किया कि तुम्हें इनके बारे में नहीं बताया जाएगा, पर अब ये खतरे से बाहर है इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक इनकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक इन्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। दीपिका उस बूढ़े आदमी को निहारने लगी। उसे मन ही मन अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से उनके साथ ये सब हो रहा था। तभी उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई खड़ा है। उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उन्हें जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देने लगा। दीपिका को देखते ही वो उठने की कोशिश करने लगे पर दीपिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, अंकल अभी आप उठने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपको और दर्द होगा। उनकी इस दर्दनाक हालत को देखकर दीपिका को मन ही मन बहुत अफसोस हो रहा था।
उसे अभी भी ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर क्यों ये आदमी उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। दीपिका की तरफ अपने हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगा। दीपिका ने जैसे ये देखा तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तो आप बता दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस वही करने की कोशिश कर रहा था जो मैं काफी सालों पहले नहीं कर पाया था। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। दीपिका के सवाल से वो चुप हो गए। काफी देर तक वो मन ही मन कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, तभी उनकी नजर रणबीर की तरफ गई तो उन्होंने कहा, अच्छा तो ये वही आदमी है जिनके बारे में तुम बात कर रही थी। तुमने कहा था कि तुम इनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हो। अपने सवाल का जवाब नहीं मिलने से वो मन ही मन उदास हो गई, पर फिर भी उसने जवाब दिया, हाँ ये वही आदमी है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता है। दीपिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, कोई भी आदमी मुझे इतना प्यार नहीं कर सकता जितना प्यार मुझे ये आदमी करता है। दीपिका को मन ही मन महसूस हो रहा था कि ये बूढ़े अंकल मेरे साथ कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। जब से मैं इनसे मिली हूँ तब से ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने लगी कि जब से मैं इनसे मिली हूँ तब से ये बस मेरी जान बचाने के बारे में बात करते रहते हैं। इसलिए कोई तो बात है जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इन्हें देखकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इनको मेरे बारे में कुछ तो पता है। तभी उन्होंने रणबीर की तरफ देखते हुए कहा, अच्छी बात है, पर ये आदमी बहुत ही खतरनाक है। इसे तुम मेरे दोनों कुत्तों को अपने साथ ले जा सकते हो। ये दोनों किसी भी खतरे से तुम्हारी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते दोनों कुत्ते रणबीर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगे। ये देखकर दीपिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी दीपिका ने उनकी तरफ देखकर कहा, अभी के लिए आप आराम कीजिए, बाद में मैं वापस आऊंगी। ये बोलकर फिर वो वहां से जाने लगी। और जाते जाते उसने कहा, और हाँ, यहाँ से जाने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आप और ये दोनों कुत्ते मेरे साथ ही रहेंगे। पर कमरे से बाहर जाते जाते दीपिका ने कहा, मैं उसके ऊपर अब और बात नहीं करना चाहती, और मेरी बातों का भरोसा कीजिए, क्योंकि मैं भी इतनी ही खतरनाक हूँ जितना ये रणबीर है। अगर आपने यहाँ से जाने के बारे में सोचा भी ना तो मैं आपके हाथ पर बांध कर यही कमरे में कैद कर दूंगी। कमरे से बाहर आते ही रणबीर ने कहा, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? मुझे तो इस आदमी की बातों में कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। तुम्हारे बारे में वो कुछ ना कुछ तो जरूर जानते हैं। दीपिका ने रणबीर की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, जिस तरह से अंकल मेरी तरफ देखते हैं उससे मुझे अजीब सा महसूस होता है, उनकी नजरों में कोई तो बात है। रणबीर ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें पता है बेहोशी से जागने के बाद सबसे पहले उन्होंने तुम्हारे बारे में ही पूछा था। उन्हें देखकर लग रहा था कि उनके मन में तुम्हें लेकर किसी बात की चिंता थी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो कुछ भी है वो बनी बनाई बातें नहीं है, ये सब उनके अंदर पहले से ही है। और तुम्हें ये भी बात जाननी चाहिए कि जिस बंदूक से तुम आत्महत्या करने वाली थी उस बंदूक में एक गोली कम इन्होंने ही डाली थी। ये सुनकर दीपिका चौंक गई और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। रणबीर ने जवाब दिया, जब इनका इलाज चल रहा था तो नर्स को इनकी जेब से एक गोली मिली थी, अक्षय ने वो गोली मुझे दी। मैंने तुम्हारी बंदूक को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो गोली तुम्हारी बंदूक की थी, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि गोली गिनने में तुमसे गलती हुई थी, सारा हेर फिर इस बूढ़े आदमी ने किया था। दीपिका ने कहा, तो रणबीर कोई मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करना चाहता है। रणबीर ने कहा, जहाँ तक मुझे लगता है ये आदमी तुम्हें पहले से जानता है, अगर तुम याद करने की कोशिश करोगे तो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। इस आदमी की कोई तो बात होगी जो तुम्हें किसी की याद दिलाएगी। अचानक ही दीपिका रणबीर की तरफ इस तरह से देखने लगी जैसे उसे कोई छुपी हुई बात पता चल गई हो। दीपिका ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे इस आदमी के बारे में और जानकारी चाहिए। क्या तुम किसी को जानते हो जो इनके बारे में पता लगा सकता है? जहाँ पर हमारी गाड़ी की क्रैश हुई थी वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, और वही झोपड़ी इनका घर है। मैं एक रात के लिए वहां पर रुकी थी,
तो शायद हमें वहां से कोई बात पता चल सकती है। इतना कहकर दीपिका ने उस जगह की लोकेशन रणबीर को भेज दी। तभी रॉकी अचानक वहां आ गया और कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमी को पहले ही इस काम पर लगा दिया है, पर इस लोकेशन से उन्हें और मदद मिलेगी, इसलिए तुम ये लोकेशन मेरे फोन पर भेज दो। वैसे तो रॉकी को देखते ही किसी को भी डर लग जाता था, पर पता नहीं क्यों दीपिका हमेशा से उसके साथ बहुत सहज महसूस करती थी। ये बात भी सही है कि रॉकी कभी भी दीपिका को अपने अंडरवर्ल्ड के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, पर ये बात जरूर है कि कभी कभी वो दीपिका को कुछ सिखाने के लिए खतरनाक कदम भी उठाता था। उसे अच्छी तरह से याद है जब वो काफी समय से उसे बंदूक चलाना सिखा रहा था। एक दिन उसी को टेस्ट करने के लिए वो दीपिका को अपने साथ लेकर मिशन पर चला गया। दीपिका को ये बात पता नहीं थी। दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे और अचानक ही गाड़ी एक सुनसान बिल्डिंग के पास आकर रुक गई। रॉकी अकेले बिल्डिंग के अंदर चला गया और दीपिका वहीं बाहर कार में उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय बाद अचानक से रॉकी की तरफ से एक मैसेज आया, मैं खतरे में हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दीपिका ने देखा कि गाड़ी में एक बंदूक रखी थी। बंदूक लेकर बिना कुछ सोचे समझे वो बिल्डिंग के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने देखा कि रॉकी को करीब 10 लोगों ने घेर रखा था। उसके हाथों में तरह तरह की बंदूकें थी और उनके बीच में रॉकी चुपचाप खड़ा था। तभी दीपिका ने देखा कि एक आदमी चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी गोली चलने की आवाज आई। वो आदमी वहीं जमीन पर ढेर हो गया। बिल्डिंग के अंदर अंधेरा था, इसलिए किसी को नहीं पता चला कि गोली किसने चलाई थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। असल में दीपिका छुपकर उन सबके ऊपर निगरानी रख रही थी। जैसे ही कोई आदमी रॉकी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो दीपिका उसे वहीं पर ढेर कर देती। तो डर के मारे कोई रॉकी की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। रॉकी मन ही मन आश्चर्यचकित था कि आखिर ये लड़की कहाँ पर छुपी है। सारे आदमी इधर उधर फैल कर अनजान आदमी को ढूंढने की कोशिश करने लगे जो उनके ऊपर गोली चला रहा था। दीपिका एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटा रही थी। तभी अचानक बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बिल्डिंग के अंदर आ गए और बाकी बचे आदमियों का सफाया कर दिया। दीपिका को भी समझ नहीं आया था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ रॉकी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो दीपिका के पास आया और उसका सिर थपथपाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, और अगली बार से मुझे इससे भी बेहतर रिजल्ट चाहिए। बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें अभी भी अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। ये पहली बार था जब किसी को मारने के बाद दीपिका को डर नहीं लगा था। कनेक्शन है तुझसे हुआ ये जानू।